होम एस्ट्रो चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जब शुक्र देव हमारे बर्थ चार्ट के 11th हाउस में होते हैं, इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसके लिए हमें 11th हाउस और शुक्र के बारे में जानना होगा। 11th हाउस जो कि हमारी विशेष को इंडिकेट करता है, जे प्रॉफिट गेन बैंक बैलेंस को भी इंडिकेट करता है, जे हमारे फ्रेंड सर्कल्स को भी दर्शाता है। शुक्र जो कि ब्यूटी का कारक है, जितनी भी लग्जरी है जे सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। जितने भी हमको प्लेयर देने वाली वस्तुएं हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती हैं। शुक्र हमारी पत्नी, हमारी गर्लफ्रेंड भी है। शुक्र के बहुत ही शुभ ग्रह है। शुक्र जब शुभ अवस्था में होता है, शुक्र की शुभ अवस्था ये शुक्र जब अपनी राशियों में वृषभ या तुला राशियों में जहाँ उच्च का होकर के मीन राशि में होता है, तो ये अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। जब भी ये शुक्र अच्छी अवस्था में होता है तो ऐसे जातकों के पास बहुत सरप्लस मनी होती है, इनका बैंक बैलेंस खूब होता है, इनका व्यापार भी बहुत बढ़िया होता है और इनको काफी सेविंग होती है और इनके बैंक में हर वक्त पैसे रहती है। ऐसे जातक का फ्रेंड सर्कल्स काफी ज्यादा होता है, किन ये जातक कई क्लब्स के मेंबर हो सकते हैं, ये जातक कई ग्रुप्स के एडमिन हो सकते हैं, ये जातक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, जे सामाजिक भलाई के लिए या समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले होते हैं, ये एक अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, इनका अपना प्रोफेशनल सर्कल भी काफी हो सकता है। मान लीजिए कोई सीए है तो वो सीए एसोसिएशन का हेड भी हो सकता है। ये लोग ग्रुप्स में या फ्रेंड्स लेवल इनका काफी ज्यादा होता है, वो फ्रेंड्स इनके काफी मिलनसार होते हैं और काफी कोऑपरेटिव होते हैं। इसके अलावा किन की विशेस या एम्बिशंस डिजायर्स बहुत होती हैं और इनकी डिजायर को ये पूरा भी करते हैं जब शुक्र अच्छी अवस्था में होता है। तो कई बार ये जातक अपनी महत्वाकांक्षा से कच्चे मकान बनाने के चक्कर में या बढ़िया गाड़ी लेने के चक्कर में बैंक से लोन भी ले लेते हैं, जिनसे इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। बिजनेस जे एक छुक स्त्री को या ऑपोजिट सेक्स को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक मैंने देखा है कि कई बार अर्ली एज में चाहे स्ट्रगल करें लेकिन मैरिज के बाद इनको कामयाबी मिलती है और इनको जिंदगी में तरक्की मिलती है, जहाँ इनकी तरक्की में स्त्रियों का सहयोग होता है। कैसे जातक कई बार छुपकर जब अच्छी अवस्था में नहीं होता, शत्रु राशि में होता है, जहाँ मंगल के साथ या मंगल की राशि में या चंद्र के साथ या राहु के साथ होता है, ऐसे जातक बहुत ही ओपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं और इनकी फ्रेंडशिप भी कई कई लड़कियों के साथ होती है। इससे ये ना केवल अपना पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी कई बार दाव पर लगा देते हैं, वो समाज से भी इनको अपजस्ट मिलता है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, यदि 11th हाउस में मंगल शुक्र शुक्र राहु
या चंद्र शुक्र की जुती है, तो ऐसे जातकों को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। कई बार ऐसे जातक बड़ी अर्ली एज में भी लव मैरिज की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।